कैसे हैं आप पे चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट और आज की वर्कशीट आपकी वर्कशीट नंबर वन थर्टी नाइन इंग्लिश की वर्कशीट है फोर्थ क्लास की ट्वेंटी थ्री दिसंबर जो है आज की आपकी डेट है तो ये ली गई है आपकी मेडिगोल्ड बुक से और यूनिट टू सेकेंड है यूनिट सेकेंड है द लिटिल फैक्ट्री पेज नंबर थर्टी वन यहाँ पे आपको अपना नेम और यहाँ पे आपको अपने टीचर आप का नेम फिल करना है ठीक है स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे क्या लिखा है डू यू नो तो आज ट्वेंटी थ्री दिसंबर को क्या होता है बच्चों किसान दिवस किसान दिवस किस लिए मनाया जाता है जो हमारे फार्मर्स होते हैं वो क्या है हमारे इंडियन इकोनॉमी के बैकबोन हैं ठीक है तो हम ये दिवस मनाते हैं फार्मर्स को अप्रीशिएट करने के लिए तो आ, जो ये किसान दिवस है वो मनाया जाता है फिफ्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो हमारे प्राइम मिनिस्टर के फिफ्थ फिफ्थ प्राइम मिनिस्टर जो हमारे पाँचवें प्रधानमंत्री थे हमारे इंडिया के श्री चौधरी चरण सिंह जिनका नाम श्री चौधरी चरण सिंह था थर्ड दिसंबर को उनका जो है बर्थ डेट है मतलब उनकी जो है उनका जन्म दिवस है उनकी जयंती है तो इस उन पे जो ही है किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है उनका बर्थ एनिवर्सरी तो चलिए आगे देखते हैं लेट अस रीड द स्टोरी टुडे टू अंडरस्टैंड हाउ आर फार्मर वर्क हार्ड इन देयर फील्ड तो ये देखिए कुछ स्टोरी दी गई है दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट अ बॉय नेम अहमद तो ये स्टोरी जो है एक लड़के की है जिसका नाम है अब्दुल सॉरी अब्दुल नाम है उसका हु वॉज हेल्पिंग हिज अबू जो कि अपने अबू की मदद करता है एंड देयर वेजिटेबल फील्ड और उनका क्या है एक वेजिटेबल का फील्ड है मतलब खेत है सब्जियों का ही वॉज क्लियरिंग क्लियरिंग एंड ड्राइड लीव्स एंड ग्रासेस फ्राम द वेजिटेबल बेड्स but it was not easy to pull out even the small grasses abu told him that the uh, that the roots of the grasses were strong and they had to dug out of the soil abdul abdul found that the roots of the grass plant were longer as much more spread out them into the part of plant above the ground abdul realized that the radish which he had pulled out from the soil was actually a root do, uh, do you know that trees have roots that help them remain firm and strong even during high winds roots are, are the part of the plant that grow under the ground and sown deeper into the soil search of water and मिनरल फॉर अ प्लांट देखिए इसमें जो बात की गई है इसमें बात की गई है रूट्स जिस जिस वेजिटेबल्स के हम या फिर फ्रूट्स के जो है हम रूट्स खाते हैं तो जैसे कि एग्जांपल लिया गया यहाँ पर रेडिस का तो रेडिस जो है वो रूट में निकलता है मतलब उसका जो है हम रूट खाते हैं तो वो अंदर तक फैल जाता है तो उसे निकालने में उसे तोड़ने में जो है बहुत मेहनत लगती है तो इस पूरी स्टोरी में यही बताया गया है ठीक है तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसका आइडेंटिफाई द राइट आइडेंटिफाई एंड राउट डाउन द नेम्स ऑफ फाइव रूट्स दैट वी कैन ईट अ पिक्चर बॉक्स इज गिवन बिलो फॉर हेल्प तो देखिए पिक्चर दी गई है इसकी हेल्प से यहाँ पे हमें पांच नाम लिखने हैं तो चलिए लिख, दिखाते हैं तो देखिए ये बीटरूट रेडिस कैरेट और टर्नप तो ये जो नाम है आप लिख सकते हैं ठीक है स्टूडेंट्स पांच नाम लिखने थे मैंने चार ही बताया तो आप एक रेडिस भी लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं आप एक रेडिस कैरेट भी लिख सकते हैं तो आगे, आगे चलते हैं नाउ लेटर्सर द्वेश्चन हाउ वज अब्दुल हेल्पिंग हिज फादर वो अपने फादर की कैसे हेल्प करता था चलिए इसका आंसर देख लीजिए यहाँ पे लिखा है अब्दुल हु वॉज हेल्पिंग इन हिज अबू इन देयर वेजिटेबल फील्ड्स ही वॉज क्लियरिंग एंड ड्राइंग लीव्स एंड ग्रास फ्राम द वेजिटेबल बैट्स तो वो क्या करता था अपने जो वेजिटेबल बैट्स हैं जो वेजिटेबल्स होती थी उसको क्लियर और ड्राई करता था उसको सुखाता था और क्लीन करता था ठीक है तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आज इसका लास्ट क्वेश्चन है जो राइट द अपोजिट वर्ड तो ईजी का अपोजिट क्या होता है और स्मॉल का अपोजिट क्या होता है इनका जो है अपोजिट वर्ड लिखना है आपको तो देखिए ईजी का जो अपोजिट होता है वो डिफ़िकल्ट और स्मॉल का अपोजिट जो होता है वो होता है लार्ज ठीक है स्टूडेंट्स तो ये वर्कशीट आपकी यहीं खत्म होती है देख लेते हैं अभिभागों के लिए क्या सुझाव दिया गया है किसान अपने खेत में किस तरह से कड़ी मेहनत करके अनाज उगाता है बच्चों को जानकारी दीजिए तो चलिए बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बच्चों टेक केयर